रूपः शिवोहम शिवोहम। सांसों का सिलसिला नहीं है कि एक दिन मिट जाएगा। मैं सांस हूं क्या? मैं विचार हूं, मैं कल्पना हूं, मैं मन हूं। मेरा नाम मन है क्या? मन मुझ में रहता है। मैं बुद्धि हूं क्या? बुद्धि मुझ में रहती है। विचार कल्पनाएं रुचि अरुचि इच्छा अनिच्छा हे उपादे ग्रहण त्याग ये सब मेरे भीतर रहते हैं। मैं सपना तो नहीं हूं, मैं कोई विचार भी नहीं हूं, मैं कोई चिंतन का नाम हूं। मैं चिंतन हूं, मैं सोच विचार हूं, मैं कल्पना हूं, मैं स्पृहा भोगेक्षा। और ये सही नहीं, ये सही है। रुचि अरुचि का नाम मैं तो नहीं हूं। इसलिए एक बड़ी सुंदर सी बात कही कि एक दिन अपने से पूछ लेना कि आप कौन हैं। फिर को हम किसी दिन अपने से पूछ लेना कि तू कौन है। अपने को एक दिन जान लेना कि कौन है। अगर देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि चित्त मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर स्प्रहा कल्पना वासना नहीं हूं मैं, तो फिर मैं कौन हूं? देह तो बदलती है। एक अवस्था में से बचपन कहा गया, फिर इसे कोई युवक बता रहा था, और फिर जब हाथ में लकुटी आई, दंत पंक्ति उखड़ गई, पाचक रस शिथिल हो गए, तो सारे लोग कहने लगे बूढ़ा जा रहा है। तो मैं बूढ़ा तो नहीं हूं, मैं तो कुछ और हूं। देह बूढ़ी हो गई होगी या देह युवक होगी। को हम, मैं कौन हूं? तो एक दिन यह भी पूछ लेना अपने आप से। पर एक बहुत आनंद की बात है कि हम कौन हैं, हमें करना क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर जो देती है उसका नाम कथा है। तो कथा हमें हमारा परिचय देती है, कथा हमें हमारा बोध कराती है। बोधगम्यता के लिए, सत्योपलब्धि के लिए, आत्म परिचय के लिए, आत्मस्मृति के लिए, लक्ष्य भेदन के लिए, स्वरूप अनुसंधान के लिए कोई सहायक है तो उसे कथा कथा कहते हैं। अज्ञानता मूल जननी है दुख की, और कहीं अज्ञानता की जड़ों का समूलोच्छेदन, अज्ञानता की सत्ता का सकल उन्मूलन करने में कोई समर्थ है तो विचार है। इसलिए एक और निवेदन कर दूं कि आत्म विचार सबसे बड़ा साधन है। आत्म विषयक विचार, आत्म विषयक अर्थ है सत्य का विचार, नित्य का विचार, जो नित्य वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, सनातन वस्तु है, सामायिक और प्रत्येक संदर्भ में नूतन और प्रासंगिक जो वस्तु है उसका चिंतन। बात चली संवाद की कि हमने बादल बयारों से बातें की, धरती अंबर अग्नि जलवायु निहारिकाओं से बातें की, उनमें संवाद काक भुसुंड के रहे, गरुड़ के रहे, शुक के रहे, क्या प्रतीक बनाया ऋषि मुनियों ने, वो खुद नहीं बोले, तोते से बुलवाया है। अरे कपोत बोलता रहा है हमारे यहाँ, है ग्रीब बोलते रहे हमारे यहाँ। अच्छा कुछ भी हो, गणेश जी का मुख तो हाथी का ही है ना, वो कितने ही प्रथम पूज्य हो, बड़े हो, तो हाथी तो बोल रहा है कुछ, मुंह तो हाथी का ही है, मस्तक तो सिंह दुर्गा के पास है। तो एक सच तो है कि पशुओं के साथ जीवन है हमारा, और देवता कहीं पशुओं के आसपास रहे, कोई भीड़ों के बीच में रहा है तो कोई गड़रियों के झुंड में रहा है, कोई पशुपालकों के बीच में रहा है, कोई बंदरों के झुंड में रहा है, और भैया कोई गौओं के संग संग चला है। तो ऐसा नहीं कह सकते, पशुओं से कुछ पाया तो है, और न केवल हमने, देवताओं ने, कोई तो गोपाल ही हो गया, सीधा नाम गोपाल। तो कितना बड़ा कुल है यादव कुल, या ईश्वर का जन्म हुआ, वो झुंड देखो कितना सरल है, कि चाहे गऊओं के बीच में है, या वो वानरों के बीच में है, या वो भेड़ों के बीच में है, या वो पशुओं के बीच में है। ऐसे एक जानकारी की बात मुझे किसी ने कही कि देखिए जितने तीर्थ हैं प्राय हिमालय के और हिमाचल के, गडरियों ने बताए, चलते 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 हिमालय, वो अमरनाथ हो, वैष्णवी देवी हो, मणिमहेश हो, अथवा ये चार धाम हो, दूर तो जो प्रकृति के निकट पहुंचा है उसे कुछ मिला है।
कथा सकारात्मक विधेयक विचार दे सके, कथा हमारे भीतर के अज्ञान का भंजन कर सके, हमें सहज बना सके, इस निमित्त कथा में गुरुजनों का ध्यान करते हुए आचार्यों का, परंपरा से व्यास का ध्यान करते हुए और एक अद्भुत बात कही गुरु के लिए, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पतम दर्शितम येन। जब मैंने इस पर विचार किया और गुरुजनों की संगति में उनके नैकट्य में जब इस पर चर्चा हुई तो चकित हो गए हम सब कि जो उस परिधि से पृथक है वही गुरु है, जो परिधि से पृथक है, जो परिधि पे घूम रहा है बस वो अज्ञानी प्राणी है। तो गुरु कौन जो हमारे अंधकार का शमन करते है। इसलिए वेद ने प्रार्थना करते हुए कहा है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मैं मृत्यु से अमृत को उपलब्ध हो जाऊं। कथा के आरंभ में महर्षि वेदव्यास पहले श्लोक की रचना करते हैं जो बहुत ही अद्भुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक है ये। हिमालय में नर नारायण पर्वत के मध्य में बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की है। इसे लिखा है उन्होंने, गाया है उनके पुत्र ने। जब वो सन्यास के लिए निकल पड़े, कथा के बिल्कुल आरंभ में इस श्लोक के साथ ही सन्यासियों की चर्चा है। सन्यास करते सम्यक न्यास, कामनाओं का न्यास। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ बात कह रहा हूं, जितना सन्यास मैंने घटित होते देखा है उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 3.5-4.5 लाख सन्यासी मुझे बनाने हो जाएंगे। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए
आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।